judicial aspirant. This is the Pahuja Law Academy. Today, I inform to the syllabus of Delhi Judiciary Exam 2024. दिल्ली जुडिशरी का जो सिलेबस है, जैसा कि आप जानते हैं कि जुडिशरी का एग्जाम तीन चरणों में होता है, प्रारंभिक परीक्षा, मेंस परीक्षा और फिर इंटरव्यू। तो आपको एग्जाम देने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि उस स्टेट का सिलेबस क्या है, प्रारंभिक परीक्षा में मेंस परीक्षा के लिए सिलेबस क्या है। तो हम आज जुडिशरी के लिए, दिल्ली जुडिशरी के लिए देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में कौन कौन से पेपर आपसे पूछे जाएंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो सिलेबस होगा लॉ के, वह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपका पेपर होगा, पार्टनरशिप से होगा, दूसरा कहता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सिलेबस के रूप में होगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट SRA सिलेबस के तौर पे होगा, एंड कमर्शियल कोड एक्ट, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, द इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन लिमिटेशन एक्ट एंड आर्बिट्रेशन एंड कैंसिलेशन एक्ट एंड द इंडियन पीनल कोड। अब सिलेबस आएगा तो इस पर BNS हो जाएगा, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यह भी सिलेबस, अब नई जो सिलेबस आएगी वह BNSS के तौर पे भी हो सकती है। जब तक कि आयोग द्वारा डिसाइड नहीं कर लिया जाता, तब तक आप IPC या CRPC ही सिलेबस के तौर पे देखेंगे, और इंडियन एविडेंस एक्ट एंड द प्रोटेक्शन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, पॉक्सो से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह प्रीलिम्स एग्जाम के लिए सिलेबस के तौर पे लॉ से इतने ही पेपर आपसे पूछे जाएंगे। तो ये तो रहा PT के एग्जाम के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए लॉ का सिलेबस क्या होगा। अब हम देखते हैं मेंस के एग्जाम के लिए आपको क्या करना होगा। तो मेंस में आपके साथ आपको चार पेपर देने होंगे। एक पेपर आपका जो है जनरल नॉलेज एंड लैंग्वेज का होगा, और इसमें जो है जनरल नॉलेज और लैंग्वेज में आप हिंदी और इंग्लिश में चॉइस कर सकते हैं, लेकिन जनरली इसमें जो आपका इसमें जनरल नॉलेज में हिंदी या इंग्लिश लिख सकते हैं, जबकि लैंग्वेज के पेपर में आपको लैंग्वेज के हिसाब से उसमें जैसा होगा आपको देना होगा। दूसरा यह कह रहा है कि सिविल लॉ के पेपर होंगे, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, SRA स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, पर्सनल लॉ से हिंदू और मुस्लिम लॉ, दिल्ली रेंट एंड कंट्रोल एक्ट, टॉट, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल एक्ट, दिल्ली म्यूनसिपल एंड कॉरपोरेशन एक्ट एंड कमर्शियल कोड एक्ट। आपका सिलेबस के तौर पे एक पेपर सिविल लॉ के होंगे। सिविल लॉ में इसका जो मेन फोकस आपका होगा, इस पर सिविल प्रोसीजर कोड के तौर पे इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन लिमिटेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट और ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट एक्ट से मिला के आपको एक पेपर होगा सिविल लॉ का। क्रिमिनल लॉ के जो पेपर होंगे, उसमें यह कहा कि क्रिमिनल लॉ में पेपर इंडियन पीनल कोड के से और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड इंडियन एविडेंस एक्ट और द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है यह, और सेक्सुअल हरासमेंट एंड वुमेन एंड वर्कप्लेस एक्ट 2013 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे क्रिमिनल लॉ के पेपर में। तो यह जो सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा में और मेंस परीक्षा के सिलेबस बताए गए, इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी प्रारंभ कर दें। दिल्ली जुडिशरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सब पेपर हैं, और आप इसमें से कोई भी मिस नहीं कर सकते हैं, सबको उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा। और इसके बाद जब आप मेंस क्वालिफाई करेंगे तो आपको इंटरव्यू की कॉलिंग होगी, और इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता है, इंटरव्यू से कहीं भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन सामान्यतः आप इन्हीं सिलेबस जो सिलेबस दिए गए हैं प्रारंभिक परीक्षा में, मेंस परीक्षा में, उसी से इंटरव्यू में भी क्वेश्चन रहते हैं। तो इसी इंफॉर्मेशन को लेकर मैं प्रेजेंट हुआ था। धन्यवाद।